मालूम नहीं कौन से मुहूर्त में कदम रखा था उसने। जोर से पानी बरस रहा था, बिजली कड़क रही थी उस दिन। पता नहीं किस गांव से यहां आ गया। वही है ये छलमैया। छलमैया ने गांव के लोगों के मन में ही सिर्फ घर नहीं बना लिया, वो तो उनके जीवन का अटूट अंग बन गया था। तरह तरह से लोगों की मदद करते करते वो तो जीवन के रहस्य को, रिश्तों के मर्म को भी समझने लगा था। एक सवाल बहुत दिन से मेरे दिमाग में बवंडर मचाए हुए है छलमैया गारू। इस उधेड़बुन में अब नहीं रह सकता। क्यों, क्या बात है? ये आपके भोजन का समय है या विश्राम का? विश्राम सबसे ज्यादा कब मिलता है मालूम है महाराज? कब? जब मनुष्य के मन में बवंडर उठता है और वो उसके बारे में विवेचन करता है। विवेचन करने से ही पता चलता है कि बवंडर की वजह क्या है। मन में आखिर बवंडर उठता ही क्यों है छलमैया गारू? जब मनुष्य के सामने दो तीन मार्ग होते हैं और उसकी समझ में नहीं आता कि किस मार्ग पर चले, तो बस उठ खड़ा होता है बवंडर। उचित, सर्वथा उचित। आज मेरे मन में भी दो विरोधी मत आए, एक उचित लक्ष्य और उचित मार्ग का संघर्ष। आपके इस उलझन भरे प्रश्न का जवाब शायद इस कहानी में। कहानी बहुत पुरानी है। एक यात्री डाकुओं के डर से भागता हुआ एक योगी के आश्रम में पहुंचता है। योगी यात्री की जान खतरे में देखकर उसे आश्रय दे देता है। पीछा करते हुए डाकू योगी के आश्रम में पहुंच जाते हैं। योगी को नमस्कार करके पूछते हैं कि महाराज यहां कोई यात्री तो नहीं आया? योगी कह देता है नहीं। डाकू योगी का भरोसा करके वापस चले जाते हैं और यात्री की जान बच जाती है। अब आप ही बताइए कि योगी ने सही किया या गलत। लक्ष्य तो ठीक था लेकिन मार्ग तो झूठ का ही था ना। कहना क्या चाहते हैं छलमैया गारू? महाराज मैं ये कहना चाहता हूं कि अलग अलग समय में अलग अलग निर्णय लेना चाहिए। स्थिति का मूल्यांकन करना क्या इतना आसान है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि बहुत मुश्किल है। अरे भाई, मन में बवाल न उठे उसके लिए मैं सिर्फ एक ही काम करता हूं कि मेरे किसी भी कार्य से किसी भी व्यक्ति को हानि ना पहुंचे, बस लाभ ही लाभ पहुंचे, बस। क्या बात है भुलैया, किसी विचार में हो या कोई उलझन गले डाल ली है? और ये शहर से तुम कब वापस आए? कल ही लौटा हूँ छलमैया गारू। भला उलझन को कोई जानबूझकर गले लगाता है क्या? ये अगर बताने लायक हो तो मुझे सुनने और सुलझाने में बहुत मजा आता है, मगर मेरी उलझन कुछ दूसरी तरह की है। बताने लायक है? छुपाने लायक भी नहीं। अरे तो फिर बता दो, अपने दुख बांट लो, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं घर के कामकाज में हाथ बटाऊं, लेकिन मैं परिवार वाला व्यवसाय नहीं करना चाहता। अब सवाल यह है कि मैं नया क्या करूं। आओ मंदिर चलते हैं। उलझन में हो?
कभी कभी सोचता हूँ कि भगवान को उलझन होती होगी या नहीं। नहीं, भगवान को उलझन नहीं हो सकती, क्योंकि उसने सबके लिए सीधे सीधे नियम तय किए। सीधे नियमों पे चलो और फल पाओ, नियम तोड़ो और जूते खाओ। आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही है छलमैया गारू। आज फिर से इन गलियों और कूचों को देख रहा था, जहां के लोगों को समझने की कोशिश कर रहा था। तो फिर क्या समझे? यही समझा कि हमारा कस्बानुमा गांव प्रगति के रास्ते पर है, बहुत कुछ बदल रहा है, बहुत कुछ बन रहा है। अच्छा, जब इतना समझ गए होगे तो तुमने अपने लिए भी कोई मार्ग तय कर लिया होगा। बाजार बन रहे हैं, मंडियां बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, यानी हमारा कस्बानुमा गांव एक व्यापारिक केंद्र बनने की तैयारी में लगा है। यानी आबादी बढ़ेगी, और आबादी बढ़ेगी तो रहने के लिए मकान की मांग बढ़ेगी, और मकान की मांग बढ़ेगी तो मकान बनाने के लिए जमीन की मांग बढ़ेगी, यानी जमीन की कीमत बढ़ेगी। बहुत उन्नति करोगे, इन सब की जड़ है जमीन। तो बताओ तुम्हारे हिस्से की जमीन कहाँ है? छलमैया गारू, आइए मेरे साथ। कहाँ? आइए। वो जमीन किसकी है? तुम्हें चाहिए ये जमीन? हाँ बिल्कुल, सचमुच चाहिए। हाँ छलमैया गारू। चलो ये जमीन तुम्हारी होगी। क्या? 500 रुपए है तुम्हारे पास, कल सुबह मेरे साथ गुंतर चलना। मैं भी चलूं? हाँ हाँ, तुम भी चलना, मेरे साथ चलना। चलो चलो। नमस्कार। छलमैया गारू, मैं यहीं पे बैठता हूँ। हाँ हाँ बैठ। नमस्कार। नमस्कार दरू। अजी छलमैया, बैठो बैठो। तो बहुत दिनों के बाद आए हो। हाँ, बुढ़ापा आ गया है तो इसलिए गांव से मैं कभी बाहर निकलता हूँ। अरे कभी कभी आया करो, कुछ गांव की खबर हम लोगों को मिलेगी, हमारी खबर तुमको। हाँ वो तो है। ये लीजिए एक छोटा सा नजराना आपके बच्चों के लिए। अरे छलमैया तुम भी। कुछ काम है क्या? हाँ एक छोटा सा काम था, अमरावती के खद्यान का। ये देखिए ये नक्शा। हाँ ये जो जमीन है बरसों से बंजर पड़ी हुई है। तो अब क्या चाहते हो? इस जमीन पर किसी का भी नाम दर्ज नहीं है, तो आप इस पर पुलैया का नाम चढ़ा दीजिए। यानी खतियान में उसका नाम डाल दे? हाँ तो क्या हुआ? और पकड़ा जाऊंगा तो? अरे कैसी बातें कर रहे हैं, मैं बैठा हूँ ना। देखिए रास्ता बिल्कुल साफ है। ये देखिए ये उसकी दरख्वास्त है। आप इस दरख्वास्त को नोटिस बोर्ड पर टांग दीजिए और गांव में ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि अगर इस पर किसी को एतराज है तो एतराजनामा भरकर 30 दिन के अंदर अंदर दाखिल करें। बस इतना सा काम आप करा दीजिए। वाह, चलो। नमस्कार। क्या हुआ? क्या नरसिम्हा राव? आइए छलमैया जी। हाँ। बहुत दिनों के बाद आना हुआ। हाँ ये देख, ये 15 साल पुराना स्टैम्प पेपर लाया हूँ। अच्छा, और ये परफॉर्मा है, इसको तू इसके ऊपर टाइप कर देना। ठीक, बाकी सब तेरे को मालूम ही है ना। बिल्कुल। हाँ। ये ले, ये पैसे रख और ये तैयार करके टाइप करके रखो, मैं आके ले जाता हूँ। ठीक है। सरकार का दावा, मंदिर के सामने वाली पोलैया गारू की जमीन खतियान खाता नंबर 322/6 पर उसकी मिल्कियत पर अगर किसी का उज्र हो तो 30 दिन के अंदर अपना हलफनामा दाखिल करे।
अरे छलमिया गारू, नमस्कार। नमस्कार, मैं सीधा गुंतूर से आ रहा हूँ। ये लो तुम्हारे कागज। अरे जमीन के कागज? तुम्हारी जमीन के, तुम्हारी मिल्कियत के। तो क्या वो जमीन मेरी हो गई? हाँ बिल्कुल तुम्हारी होगी, तुमने चाहा तुमने पा लिया। मंत्र है चाहो तो पालो। छमिया गारू, मगर ये सब हुआ कैसे? अरे भाई तुमने सच्चे दिल से चाहा और हमने सच्चे दिल से मदद कर दी, बस। छलमैया गारू धन्यवाद। अमरावती गुंतेर बस सर्विस, वाह वाह ये तो अच्छा है। नमस्कार मन्निया। नमस्कार। पहचाना मुझे? मैं सुंदरैया की पत्नी। तो बैठे ना, बैठे। बीच भवन में फंस गई हूँ, आप ही उबार सकते हो। क्यों, क्या हुआ? मेरा परिवार टूटने की कगार पर है। गुंटूर वाली लड़की को लेकर पूरे गांव में उनके नाम पर लोग थूतू कर रहे हैं। तो आप चाहती क्या है? सोच के साथ वो रहे ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। अगर आपने उसे यहाँ से नहीं निकाल बाहर किया तो भैया मैं हीरा चाट लूंगी। अब आपने मुझे भैया कहा है तो मेरी बहन अब आराम से रहेगी। आप समझिए कि वो गई। बहुत मेहरबानी होगी भैया। अरे अरे मैं एक आम इंसान हूँ, मेरे पांव छूने काबिल नहीं है। ये सुंदरिया कहाँ है? दुकान पर। ठीक है, अब तुम निश्चिंत घर जाओ, जाओ मैं देख लूंगा। सुंदरिया मैं आया। दो चाय देना। बहुत सारा पैसा मिलेगा। तुम जैसे तगड़े जवान चाहिए। क्या है कि काम भी कुछ पहरा देने जैसा है, इसलिए तुम जैसे गबरू लोगों की तलाश है। मुंह मांगा पैसा मिलेगा, बोलो करोगे ना? अरे साहब काम करने तो अपना देश छोड़ के यहाँ आए, अब आप कुछ पैसा अच्छा दिलवा दीजिए। मिल जाएगा उसकी फिक्र मत करो, पैसा बिल्कुल अच्छा मिल जाएगा। क्या है कि तुम लोगों को कुछ देर वो उस खिड़की के नीचे खड़ा रहना पड़ेगा ताकि वो तुम लोगों को देख ले, और जैसे ही खिड़की खुले तुम ऐसे ऐसे मुंह ऊपर उठा के खड़े हो जाना जैसे तुम मजबूत पहलवान किसी भी मुसीबत का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार हो। हाँ, और ये गमछा जो है सर पर पहलवानों की तरह बांध लेना और हाथ में लठ लेना, लठ, और ऐसे खड़े हो जाना। हाँ 15 मिनट के बाद तुम वहां आ जाना और जब तक मैं बाहर ना निकलूं तुम वहीं डटे रहना। हाँ तस से मस नहीं होगा सर। हाँ क्या नहीं होगे? तस से मस। हाँ मैं सुंदरिया का दोस्त हूँ और वो मुझसे कुछ भी नहीं छुपाता, ना वो 10,000 रुपए की बात, ना तुम्हारे गहनों की बात, समझे? लेकिन तुम इस वक्त एक बहुत बड़ी मुसीबत में हो। मुसीबत? कैसे मुसीबत? मैंने तो अपना सब कुछ उसके हवाले कर दिया, अब मेरी मुसीबत वही दूर कर देगी। हाँ वो तुम्हारी मुसीबत दूर कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल उसकी बीवी, उसकी साली और साले ने तुम दोनों के लिए एक मुसीबत खड़ी कर रखी है। जाओ बाहर खिड़की से झांक कर देखो, वह 4 गुंडे खड़े हुए हैं तुम्हारा स्वागत करने के लिए। जाओ 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 जाके देखो। वो तुम्हारी स्वागत के लिए नहीं खड़े, तुम्हारी जान लेने के लिए खड़े हैं। तुम मेरी बात मानो कि जो कुछ भी तुम्हारा है यहाँ जल्दी से जल्दी उसे लपेटो
और मैंने सब कुछ बंदोबस्त किया हुआ है। गाड़ी पिछले दरवाजे के बाहर खड़ी है, अपना सामान लपेट कर पिछले दरवाजे से बाहर जाओ और वो गाड़ी तुम्हें सीधा गुंतर छोड़ देगी, समझे? लेकिन ऐसे ही जान प्यारी है कि नहीं? तो फिर ऐसे ही जल्दी करो। तो हनुमान जी को मंगलवार के दिन सवा शेर लड्डू जरूर चढ़ाऊंगा। क्या हुआ मालिक? बहुत बुरा हुआ, मालकिन की माँ मर गई, इसलिए उसे गाड़ी पकड़ कर जाना पड़ा। ये आवाज सुन रहे हैं ना? जी, ये गाड़ी की आवाज है। अब वो तो चली गई, फिर कभी सही। देखिए उसमें थोड़ा सा कुछ काम बाकी है, आपके गहने जैसे तैयार होंगे मैं अगले हफ्ते आपको पहुंचा दूंगा। जी, अच्छा हुआ तूने भेज दिया। किसको भेज दिया, ये क्या कह रहे हो? अरे गुंतर वाली को। मैंने कहीं नहीं भेजा। नहीं भेजा? तू नौजवान के साथ कहाँ जा रही थी? वो गुंतर वाले रोड पे गाड़ी जा रही थी तो मैंने सोचा। नौजवान के साथ जा रही थी? हाँ, और पिछली सीट पर दोनों एक साथ बैठे थे। और कैसे बैठे थे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं कर सकती। अरे तुम औरतों को नहीं जानते सुंदरिया, वो औरतें। तुमने कुछ उसको पैसे तो नहीं दिए? हाँ दिया था, 10,000 रुपया और हीरे की अंगूठी भी। तो आजकल की औरतों को पैसे मिले, जेवर मिला कि हो गया सारा खेल खत्म। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तो क्या मेरे साथ करेगी? अरे वो मुझसे प्यार करती थी, वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे पास आई थी। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। मैं अभी देखता हूँ। मीनाक्षी, 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 ये क्या? वो सचमुच चल गई, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। चल भैया, बर्बाद हो गया। 10,000 रुपए में? बात 10,000 रुपए की नहीं है। चल भैया, बात मेरे सपनों के जल जाले की है, मेरे प्यार की है। अरे ये ऐसी लड़कियां तुमसे और मुझसे प्यार करने वाली नहीं है, ये घर बसाने वाली लड़कियां नहीं है। अभी भाषण मत दो, चल भैया भाषण मत दो। ठीक है फिर अपने घर चलो, तुमसे सच्चा प्यार करने वाली तुम्हारा इंतजार कर रही है, वो तुम्हें देखेगी तो खुश होगी। वो खुश होगी? हाँ, लेकिन इस रोती सूरत पे नहीं, जरा मुस्कुराओ, चलो मेरे साथ। अब आप अपने पति को संभाल कर रखिएगा और सुंदरिया दोबारा ऐसी गलती नहीं करना। तो मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारा सच्चा प्रेम तुम्हारा इंतजार कर रहा है, यही है तुम्हारा सच्चा प्रेम। ये लो, मेरी बहन को तुम आप संभाल कर रखना और सारी खुशियाँ इसी पर निछावर करना और जिंदगी हंसी खुशी बिताना। अरे रमैया, तुम कहाँ चले गए थे? क्या करता, सरकार ने सब कुछ ले लिया और गुंतूर के चक्कर लगाते लगाते घर का भी सब कुछ बिक गया। फिर क्या करता, चला गया शहर ताकि घर वालों के लिए कुछ पैसे कमा सकूं। अच्छा, तो तुम किसान से मजदूर बन गए? माफ करना रमैया, मैं उस वक्त तुम्हारी मदद नहीं कर सका, लेकिन अब तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा। देखो तुम मुझे बताए बिना गाँव से बाहर मत जाना और कल सुबह अपने सारे कागज लेके मेरे पास आ जाए। जी हाँ, ये कागजात और सरकारी दस्तावेज आप गौर से देख लीजिए, 15 साल पुरानी है।
सरकार ने सोमैया की जमीन नहर बनवाने के लिए ली थी और एवज में 12,000 रुपए देने की बात भी की थी। ये सिर्फ बात ही नहीं की थी बल्कि सरकार ने जमीन पर कब्जा कर लिया था और पैसे देने की बात सिर्फ फाइलों में दर्ज नहीं है बल्कि सुमैया के नाम एक चिट्ठी भी लिखी थी। ये देखिए, ये चिट्ठी। तो ये रुपए दिए क्यों नहीं गए? अरे भैया आप देखिए ना कि 15-15 अर्जियां और हैं और 3 तो एडवोकेट के द्वारा हैं। सारी बात यही रुक क्यों गई? रुक इसलिए गई कि सुमैया मर गया और उसके बेटे के पास ये सारा कार्यक्रम आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसका घर कर्जदार निकल गए। वो बेचारा अपनी रोटी रोजी कमाने के लिए शहर चला गया। अब साल भर बाद अपने बाप की बरसी के लिए यहाँ लौटा तो मुझे इत्तफाक से टकरा गया। अब क्या करेंगे? ये ऊपर वाले ऑफिसर्स को आप ये सारी बातें बता क्यों नहीं देते? उनको भी तो मालूम पड़े। देखिए ना, अब आप तो सारी बात समझ ही रहे हैं। अगर ये बात खुल गई तो और उनकी समझ में ये बात ऐसी थोड़ी आ जाएगी, वो तो आपको समझाना पड़ेगा। लेकिन आप एक बार जाकर मिल लीजिए ना, वे क्या कहते हैं ये तो देखिए। देखिए, अगर ये फाइल लेकर मैं उनके पास पहुंचूंगा तो फाइलें फिर से कचरे की टोकरी में चली जाएंगी और वो गरीब बेचारा मारा जाएगा। तो आपके इन भगवानों पर मुझे कोई भरोसा नहीं है। मैं तो यहाँ बाहर बैठे हुए नंदी पर भरोसा करता हूँ। बात करना सबको आपसे सीखना चाहिए। ठीक है, आप इस चिट्ठी की फोटोस्टैट कॉपी मुझे दे दीजिए और 15 रोज के बाद मुझे आकर मिलिए। जी हाँ, मैं अटैच करा के दे दूंगा आपकी ये कॉपी। कल ही ये कॉपी मैं आपको पहुँचा दूंगा। शुक्रिया, नमस्कार। ये लो भाई, तुम्हारी जमीन के पैसे। तुम्हारा खेत तो मैं नहीं बचा सका बेटा, लेकिन तुम्हारे डूबे हुए पैसे मैं सरकार की अत्रियों से निकाल लाया। जैसे छलमैया गारू ने रामैया के जमीन का पैसा निकलवा के लाया है, वैसे ही भगवान सबका डूबा हुआ पैसा होती है। तो मेरे पांव मत छो, महाराज के पांव। मेरे लिए तो आप इस भगवान से भी बड़े हैं छलमैया गारू। अरे नहीं नहीं, ऐसे मत बोलो। भगवान के सामने मंदिर में ऐसा भूल कर तुम हम दोनों के सर पर पाप डाल रहे हो। भगवान ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए हैं, अब तुम जाओ और अपना परिवार हंसी खुशी चलाओ। लेकिन ये पैसा खत्म होने से पहले कुछ जमीन जायदाद जरूर खरीद लेना। जी। जय हो प्रभु। समय के बीतने के साथ सिर्फ गांव का रूप ही नहीं बदला बल्कि कुछ लोगों का जीवन भी बदल गया और इन बदलावों के पीछे एक आदमी का हाथ स्पष्ट था। वो आदमी था छलमैया। सुंदरैया का घर टूटने से बच गया। पति पत्नी हंसी खुशी रहने लगे। पत्नी के लिए तो छलमैया ही भगवान हो गए थे। पुलैया बहुत बड़ा बिल्डर बन गया। रामैया को सरकार से उसके लिए गए खेत का पूरा पैसा ही छलमैया ने नहीं दिलवाया, उसके पूरे परिवार को कंगाली और भुखमरी की कगार से उबार एक सम्मानित खेतिहर बना दिया था। मगर भगवान बन गया इंसान छलमैया। अपने ही घर में अपने बेटों के बीच की दूरी को पाटने से पहले ही चल बसा। और तब अगर मुझे जमीन के बंटवारे के लिए अदालत भी जाना पड़ेगा पुजारी जी, तो मैं वहां भी जाऊंगा। तुम इस तरीके से जमीन का बंटवारा कर ही नहीं सकते सुमैया। क्यों पुजारी जी? अब आप ही इसे समझाएंगे। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की पर भैया सुनते ही नहीं। पिताजी के बड़ी मुश्किल से सहेजे जमीन को बिखरने से अब आप ही बचा सकते हैं। छलमैया भी नहीं चाहते क्या? क्योंकि वो जानते थे कि उनकी मृत्यु के बाद आप दोनों भाई मिलकर रह ही नहीं सकते।
उनके मुश्किल से संजोए इस जमीन के आप तो टुकड़े टुकड़े कर देंगे, और इसीलिए उन्होंने वसीयत बनाई। वसीयत? हाँ वसीयत। कहाँ है वो वसीयत? मेरे पास है। क्या है क्या उसमें? बड़ी सीधी सी बात, अगर छलमैया की जमीन को बांटने के लिए आप अदालत जाते हैं या किसी और तरीका अपनाते हैं तो ये जमीन तो मंदिर के नाम हो जाएगी। यानी अगर आप इस जमीन के मालिक बने रहना चाहते हो तो आप दोनों भाइयों को मिलकर ही रहना होगा। बंटवारा संभव? सोच लीजिए।